आपको। आज हम सीखेंगे डॉट पैटर्न जो एक सॉल्ट क्यूब से ही बनता है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पहले से ही एक डॉट पैटर्न बना हुआ है और मैं आपको इस वीडियो में और एक डॉट पैटर्न भी सिखाऊंगा जो एक सॉल्ट क्यूब से बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट पैटर्न बनाने के लिए हमें पहले सॉल्ट क्यूब चाहिए। सॉल्ट क्यूब होने के बाद ही हम ये पैटर्न को बना सकते हैं और इसके लिए बहुत इजी एल्गोरिदम है। खाली दो एल्गोरिदम के साइन है। आपको कौन सा कलर चाहिए? मेरा फेवरेट कलर तो लाइट ग्रीन है। मैं लाइट ग्रीन से ही स्टार्ट करूँगा। M को एंटी क्लॉकवाइज और जो सेंटर वाला है सेंटर लेयर को क्लॉकवाइज। खाली यही है एल्गोरिदम। मिडिल को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। फिर सेंटर को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। था ना बहुत ज्यादा इजी? तो आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि जैसे ब्लू का जो भी एडजेसेंट साइड है, ब्लू का एडजेसेंट साइड इधर रेड है, ब्लू का जो सेंटर पीस है वो रेड वाले सेंटर पीस से एक्सचेंज हो चुका है और ब्लू का और एक एडजेसेंट कलर है वाइट, वाइट का इधर आ चुका है। वैसे ही ऑरेंज, वैसे ही ग्रीन का है ऑरेंज और ये ऑरेंज और जो ग्रीन का सेंटर पीस है वो ऑरेंज के सेंटर पीस से एक्सचेंज हो गया है। चलिए इसे फिर से करते हैं, तब तक मैं आपके लिए क्यूब को सॉल्व करके लाता हूँ। तो चलिए इसे फिर से करते हैं। इस बार हम लेंगे ब्लू, ग्रीन का ऑपोजिट साइड। जैसे कि मैंने बताया था मिडिल लेयर सेंटर लेयर, मिडिल सेंटर, और देखिए बस कुछ ही देर में ये हमारा डॉट पैटर्न आ चुका है। देखिए कितना सुंदर लगता है ये देखने में। तो फिर अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो शायद मैं क्यूब की ही लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी क्यूब की होगी और नहीं तो कोई भी एक पैटर्न की होगी, जैसे ये वाला पैटर्न, इसकी तरह बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पैटर्न नहीं, इसकी तरह। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।